दोस्तों मोबाइल की मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि आए दिनों नए नए फोन लॉन्च होते जा रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर का तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि उसे कम पैसे में अच्छी वैल्यू वाले फोन मिल जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में वीवो अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है वीवो का X27 और वीवो का X27 प्रो। ये जो फोन है आपको 19 मार्च को देखने को मिलने वाला है। आइए बात करते हैं इस फोन की डिटेल्स के बारे में, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे पास में टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है कि वीवो अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है वीवो का X27 और वीवो का X27 प्रो। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा वीवो के X27 प्रो को लेकर के। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पूरा डिटेल्स में। तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है वो 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी वीवो के नए स्मार्टफोन आने वाले हैं और दो तीन स्मार्टफोन आ चुके हैं, उन सारे फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही देखने को मिली है। क्योंकि आपको पता है कि वीवो का V11 प्रो आया था, वो फोन काफी हिट गया था, उसमें भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिली थी। एक रिसेंटली में ही फोन लॉन्च किया है वीवो ने जिसका नाम है V15 प्रो, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, काफी अच्छा फोन है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। बात कर लेते हैं हम लोग वीवो के X27 प्रो की रैम और रोम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 8GB 256GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। एक और वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि मिलेगा 8GB के साथ ही, लेकिन 128GB स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें हम लोग इसके प्रोसेसर के बारे में तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 710 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इधर नए आ गए हो, सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी को बजा कर लो। वीवो के X27 प्रो की बैटरी के बारे में तो आपको जैसा कि पता है कि डिस्प्ले बड़ी दी गई है तो बैटरी भी कहीं ना कहीं बड़ी होनी चाहिए। जी हां फ्रेंड्स, इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 22.5 watt का इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। वैसे जितने भी फोन्स आ रहे हैं आपको पता है वो सारे के सारे फोन्स फास्ट चार्जिंग के साथ ही आ रहे हैं। बात कर हम लोग इस फोन की सिक्योरिटी के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और इसमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। दोनों ही ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वीवो का V11 प्रो आया था उसमें भी आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला था, V15 प्रो आया था उसमें भी आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला था। तो आई थिंक जितने भी फोन है वीवो के वो सारे के सारे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को ही लेकर के आने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर के, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट से। फाइनली बात कर लेते हम लोग इसके कैमरा को लेकर के जो कि काफी ज्यादा रूमर्स में। वैसे आपको पता है कि जितने भी नए नए फोन्स आ रहे हैं उन सारे फोन्स में दो तीन कैमरे तो आ ही रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फोन में आपको बैक में तीन कैमरे देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट में आपको एक कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बैक कैमरे के बारे में। तो इसमें आपको तीन कैमरे देखने को मिल जाते हैं, एक कैमरा है आपका 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा है आपका 13 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा आपको दिया गया है वो 5 मेगापिक्सल का दिया गया। तीनों कैमरे के अलग अलग वर्ग है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी फोन्स आ रहे हैं वो सारे 48 मेगापिक्सल को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि वीवो का V15 प्रो आया था उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था। एक रेडमी का नोट 7 आया उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला है। काफी अच्छा फोन है, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप रेडमी के फैंस हैं तो आप एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आपको फोन में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जाकर के एक बार वीडियो को जरूर देख लें। बात करते हैं हम लोग इसके सेल्फी कैमरे के बारे में। तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि पॉपअप कैमरा के साथ आएगा। पॉपअप कैमरा कही है, राइजिंग कैमरा कही है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि
कि जितने भी फोन्स आए हैं वो कहीं ना कहीं रिसेंटली में सारे के सारे ओप्पो कैमरे को लेकर के आए हैं। जैसे एक फोन और आया था जो कि ओप्पो की तरफ से आया था F11 Pro, उसमें भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था। वो इंडिया का पहला ऐसा फोन था जिसमें आपको सेल्फी कैमरा मिला था 32 मेगापिक्सल का, और ये सेकंड फोन होने वाला है जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको इस पॉपअप कैमरा के बारे में क्या लगता है, क्या आपको ये पॉपअप कैमरा अच्छा लगता है या बेकार लगता है, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन। फाइनली बात करते हैं हम लोग इसकी प्राइस को लेकर के, तो इसकी जो प्राइस है वो 3998 yuan होने वाली है, जो कि अगर उसको इंडिया में देखते हैं वही 40 या 41 हजार रुपए के अप्रोक्सीमेटली। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वीवो के X27 को लेकर के, तो इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है वो 6.3 की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। रैम और रोम की बात करें तो इसमें आपको 8GB के साथ ही मिलेगा, लेकिन 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, एक ही वेरिएंट इसमें देखने को मिलेगा। प्रोसेसर भी दिया गया है, इसमें भी आपको Qualcomm का Snapdragon वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको 675 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और ओवरऑल सारा का सारा वही दिया गया, बैटरी सेम देखने को मिलने वाली है, कैमरे भी बैक में सेम देखने को मिलने वाले हैं, फ्रंट में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगी क्योंकि Vivo के X27 Pro में आपको जो कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट वाला 32 मेगापिक्सल का मिलता है, और Vivo के X27 में आपको देखने को मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा आपको। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 3198 yuan देखने को मिल जाएगी, मतलब अगर उसको इंडिया में देखते हैं तो 32 या 33 हजार रुपए के आसपास बनता है। वैसे दोनों ही फोन्स फ्लैगशिप फोन है, ये फोन जो आपको Vivo की तरफ से देखने को मिलेंगे और ये आपको 19th of March को देखने को आपको मिल जाएंगे। वैसे इस फोन के बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि आप लोग क्या सोचते हैं Vivo को लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो को ले बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जल्दी से कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, तो आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।